हाय गाइस, मेरा नाम है तुषार। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी वेबसाइट के आर्टिकल्स के यूआरएल को एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाएंगे। गाइस, आप कितना भी अपने आर्टिकल का ऑन पेज एसईओ कर लें या फिर उसके लिए बैकलिंक्स बना लें, लेकिन गाइस आपका आर्टिकल गूगल में तब तक रैंक नहीं करेगा जब तक उसका यूआरएल एसईओ फ्रेंडली नहीं होगा। एंड गाइस, आर्टिकल का यूआरएल एसईओ फ्रेंडली ना होने की वजह से ही बहुत सारे लोगों के आर्टिकल्स गूगल में रैंक नहीं कर पाते। तो गाइस, इसीलिए आपके आर्टिकल के यूआरएल का एसईओ फ्रेंडली होना बहुत ही जरूरी है अगर आप गूगल पे रैंक करना चाहते हैं। तो अब गाइस, हम किसी भी यूआरएल को एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाएंगे, गाइस ये तो मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलकर ही बता पाऊंगा। मगर गाइस, उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर गाइस आप मेरे चैनल पर नए हो तो गाइस नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अच्छी-अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलते रहें। तो गाइस, अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जहां मैं आपको बताऊंगा कि हम एक यूआरएल को एसईओ फ्रेंडली यूआरएल कैसे बनाएंगे। अब गाइस, हम जब भी अपने आर्टिकल का टाइटल लिखते हैं तो गाइस वो टाइटल ही हमारा यूआरएल बन जाता है ऑटोमेटिकली। एंड गाइस, ये चीज गलत है क्योंकि अब हमारे यूआरएल में स्टॉप वर्ड्स आ गए। तो गाइस, इस तरीके के स्टॉप वर्ड्स आपके यूआरएल में नहीं आने चाहिए। अब गाइस, अगर आपको पता नहीं हो कि स्टॉप वर्ड्स कौन कौन से होते हैं तो गाइस यहाँ पे मैंने ए टू जेड जितने भी स्टॉप वर्ड्स होते हैं वो सारे लिस्ट कर दिए हैं। एंड गाइस, ये लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर के इन सारे स्टॉप वर्ड्स को देख सकते हैं। अब गाइस, ये मेरा वो वाला यूआरएल है जिसके अंदर स्टॉप वर्ड्स हैं। तो गाइस, यहाँ से हम स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर देंगे। यहाँ से मैंने फॉर को हटा दिया, उसके बाद मैंने यहाँ से द हटा दिया, उसके बाद मैंने यहाँ से फॉर योर हटा दिया। तो गाइस, अब इस यूआरएल के अंदर एक भी स्टॉप वर्ड नहीं है। तो गाइस, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके आर्टिकल के यूआरएल में एक भी स्टॉप वर्ड ना हो। अब गाइस, दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है गाइस वो ये है कि आपको आपके आर्टिकल के यूआरएल की लेंथ को शॉर्ट रखना है। अब गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे आर्टिकल का यूआरएल है एंड गाइस ये गूगल में पूरा नजर भी नहीं आ रहा जैसा कि आप देख सकते हैं। और गाइस, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे यूआरएल की लेंथ बहुत ही ज्यादा है। तो गाइस, इसीलिए आपको अपने आर्टिकल के यूआरएल की लेंथ को शॉर्ट रखना है। एंड गाइस, इससे आपके आर्टिकल का यूआरएल बहुत ही इजीली रीडेबल होगा। एंड गाइस, तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपके आर्टिकल का जो मेन कीवर्ड है यानी जो फोकस की फ्रेज है वो आपके आर्टिकल के यूआरएल में इंक्लूड होना चाहिए। जैसे कि गाइस, यहाँ पे जो मेरा मेन कीवर्ड था वो था बेस्ट एयर कंडीशनर एंड गाइस ये मेरे आर्टिकल के यूआरएल में भी इंक्लूडेड है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब गाइस, चौथी चीज ये है कि आपको अपने आर्टिकल के यूआरएल के बीच में हाइफंस को यूज करना है जैसा कि गाइस यहाँ पे मैंने यूज कर रखा है। गाइस, कुछ लोग अपने आर्टिकल के यूआरएल में हाइफन की जगह अंडरस्कोर यूज करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। गाइस, वैसे तो गूगल अंडरस्कोर को भी अलाउ करता है लेकिन गाइस फिर भी आपको अंडरस्कोर यूज नहीं करना, हाइफन यूज करना है क्योंकि गाइस जब आप हाइफन यूज करते हैं तो गाइस आपका यूआरएल थोड़ा और अच्छा दिखता है जैसा कि गाइस यहाँ पे मैंने पहले वाले यूआरएल में कर रखा है। एंड गाइस, आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आकर के सेटिंग्स में जाकर के कुछ चेंजेस करने होते हैं। सेटिंग्स में जाकर के गाइस जैसे ही आप परमालिंक्स पर क्लिक करेंगे उसके बाद गाइस आपको पोस्ट नेम पे क्लिक करके ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। एंड गाइस, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। एंड गाइस, ऐसा करने से आपका यूआरएल कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर गाइस आप सेटिंग्स में जाकर परमालिंक्स में ये चेंजेस नहीं करेंगे तो गाइस आपका यूआरएल कुछ इस तरीके का दिखेगा। एंड गाइस, ये एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल नहीं है। तो गाइस, इसीलिए आपको सेटिंग्स में ये चेंजेस जरूर करने हैं। एंड गाइस, आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस वो ये है कि आपको अपने आर्टिकल के यूआरएल में कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके आर्टिकल के यूआरएल में आपके मेन कीवर्ड के अलावा भी कई सारे कीवर्ड्स आ गए जैसा कि गाइस इस यूआरएल में हुआ है। एक कीवर्ड आ गया बेस्ट एयर कंडीशनर, उसके बाद एक और कीवर्ड आ गया बेस्ट एसी ब्रांड्स इन इंडिया 2019। तो गाइस, ये चीज आपको नहीं करनी। मतलब आपके आर्टिकल का जो मेन कीवर्ड है वो ही आपको अपने आर्टिकल के यूआरएल में रखना है। तो गाइस, मेरे आर्टिकल में मेन कीवर्ड था बेस्ट एसी ब्रांड्स इन इंडिया 2019। तो गाइस, हम बाकी सारे कीवर्ड्स को रिमूव कर देंगे। तो गाइस, अब हमारे आर्टिकल का यूआरएल शॉर्ट भी हो गया एंड गाइस इसमें आपको एक कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं है। अगर गाइस आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो गाइस आपका जो यूआरएल होगा वो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाइस नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अच्छी-अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलते रहें।